दादा, जिस तरह से ये आंदोलन आप लोगों का अभी तक चल रहा है, आगे का क्या मतलब शेड्यूल रहेगा, क्या कार्यसूची रहेगा? देखिए, आगे बीजेपी लगातार आंदोलन करेगी। कल बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में कलकत्ता में 15 जगह पर, प्रमुख जो कलकत्ता के 15 जगह है वहां पे राखी बंधन का कार्यक्रम करेगी महिलाओं के सुरक्षा के लिए। 20 तारीख कल हम उनके साथ कोर्ट भी जा रहे हैं। 16 तारीख को हम धरने के बैठने के लिए हम गए थे, लेकिन पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। 20 तारीख से हमारे MLA धरना शुरू करेंगे। 20 के बाद 21 तारीख को हमारे MP वो लोग धरना करेंगे। 22 तारीख को भी धरना चलेगा और उसके साथ साथ हम स्वास्थ्य भवन का घेराव करेंगे, जो पश्चिम बंगाल हेल्थ मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर। 23 तारीख को हमारी महिला मोर्चा फिर से धरना करेगी, ये चलेगा, और उसके साथ हम जगह जगह पे प्रोटेस्ट करेंगे और आगे का कार्यक्रम, आगे की जो प्रतिवाद है, जो हमारी विरोध है इस सरकार के खिलाफ, स्पेशली ममता बनर्जी के रेजिग्नेशन की डिमांड में, वो चलता रहे। दादा, जिस तरह से ये आंदोलन आप लोगों का अभी तक चल रहा है, आगे का क्या मतलब शेड्यूल रहेगा, क्या कार्यसूची रहेगा? देखिए, आगे बीजेपी लगातार आंदोलन करेगी। कल बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में कलकत्ता में 15 जगह पर, प्रमुख जो कलकत्ता के 15 जगह है वहां पे राखी बंधन का कार्यक्रम करेगी महिलाओं के सुरक्षा के लिए। 20 तारीख कल हम उनके साथ कोर्ट भी जा रहे हैं। 16 तारीख को हम धरने के बैठने के लिए हम गए थे, लेकिन पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। 20 तारीख से हमारे MLA धरना शुरू करेंगे। 20 के बाद 21 तारीख को हमारे MP वो लोग धरना करेंगे। 22 तारीख को भी धरना चलेगा और उसके साथ साथ हम स्वास्थ्य भवन का घेराव करेंगे, जो पश्चिम बंगाल हेल्थ मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर। 23 तारीख को हमारी महिला मोर्चा फिर से धरना करेगी, ये चलेगा, और उसके साथ हम जगह जगह पे प्रोटेस्ट करेंगे और आगे का कार्यक्रम, आगे की जो प्रतिवाद है, जो हमारी विरोध है इस सरकार के खिलाफ, स्पेशली ममता बनर्जी के रेजिग्नेशन की डिमांड में, वो चलता रहे। दादा, जिस तरह से ये आंदोलन आप लोगों का अभी तक चल रहा है, आगे का क्या मतलब शेड्यूल रहेगा, क्या कार्यसूची रहेगा? देखिए, आगे बीजेपी लगातार आंदोलन करेगी। कल बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में कलकत्ता में 15 जगह पर, प्रमुख जो कलकत्ता के 15 जगह है वहां पे राखी बंधन का कार्यक्रम करेगी महिलाओं के सुरक्षा के लिए। 20 तारीख कल हम उनके साथ कोर्ट भी जा रहे हैं। 16 तारीख को हम धरने के बैठने के लिए हम गए थे, लेकिन पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। 20 तारीख से हमारे MLA धरना शुरू करेंगे। 20 के बाद 21 तारीख को हमारे MP वो लोग धरना करेंगे। 22 तारीख को भी धरना चलेगा और उसके साथ साथ हम स्वास्थ्य भवन का घेराव करेंगे, जो पश्चिम बंगाल हेल्थ मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर। 23 तारीख को हमारी महिला मोर्चा फिर से धरना करेगी, ये चलेगा, और उसके साथ हम जगह जगह पे प्रोटेस्ट करेंगे और आगे का कार्यक्रम, आगे की जो प्रतिवाद है, जो हमारी विरोध है इस सरकार के खिलाफ, स्पेशली ममता बनर्जी के रेजिग्नेशन की डिमांड में, वो चलता रहेगा।